अमलतास भी इसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो इसके पर्याय हैं वो तो चतुरांगुल भी है, कृतमल भी है और संपक भी है। तो प्रोक्त सभी जो हैं ये पर्याय हैं। इसके बाद है व्याघ्र पूंछ का किसका पर्याय कहा गया है। व्याघ्र पूंछ, ठीक है, ये किसका पर्याय कहा गया है। तो ये जो है ये म्यूपियना प्रूरिटा का, जी नहीं, रिसिनस कम्युनिस, इसका पर्याय जो कहा गया है, ठीक है। इसके बाद जो है त्रुटि पर्याय है, जो त्रुटि पर्याय कहा गया है वो किसके संदर्भ में कहा गया है, तो वो एला के संदर्भ में कहा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एला। निदिग्धिका का प्रधान कर्म है, निदिग्धिका जो है उसका प्रधान कर्म क्या बताया गया है, तो उसका प्रधान कर्म होता है काशहर, मतलब काश को हरना, काशहर जो है इसको भी आपको याद रखना है। किसके रोमों का शरीर से स्पर्श होते ही कंडू होती है, ठीक है। यहाँ पे चार जो बताए गए हैं ऑप्शंस उनमें से किसी एक में कंडू होता है। तो देखिए सतपत्र, नहीं सतपत्र, दू स्पर्श के, नहीं मरकटी के, जो मरकटी होती है उसके जो रोम होते हैं उसके स्पर्श में अगर आ जाए व्यक्ति तो उसमें कंडू होना चालू हो जाता है। इसके बाद है नक्तमाल पर्याय है, नक्तमाल जो है वो किसका पर्याय है। तो नक्तमाल जो है वो आरगवत का पर्याय नहीं है, एरंड का पर्याय नहीं है, करंज का पर्याय जो है वो नक्तमाल कहा गया है। काशारी पर्याय है, काशारी जो कहा गया है वो काशमर्द को ही काशारी कहा गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। गिरिमल्लिका का वानस्पतिक नाम क्या है, जो गिरिमल्लिका हम कहते हैं उसका वानस्पतिक नाम होता है होलोरिना एंटी डाइसेंट्रिका। इसके बाद है खटमल मारने में प्रयुक्त होता है, खटमल जो होता है उसको मारने में प्रयुक्त क्या होता है, तो जलकुंभी जो होता है वो खटमल मारने के काम में आता है। इसके बाद है गुगलू का अन्य नाम क्या है, गुगलू जो है उसका और भी नाम क्या बताया गया है, उसका नाम बताया गया है कि देव धूप, ना कि देव पुष्प, देव कुसुम, देव दुंदुभी नहीं, देव धूप कहा गया। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है गुगुल को। इसके बाद है निम्न में से कौन सा गुड़ूची का पर्याय नहीं है, गुड़ूची का पर्याय नहीं कहा गया है। तो अमृता कहा गया है, चक्र लक्षणिका कहा गया है, छिन्न रूहा कहा गया, काश्मरी नहीं कहा गया है, ठीक है। स्वदृष्टा पर्याय है, जो स्वदृष्टा कहा गया है वो किसके पर्याय में कहा गया है, तो गुड़ूची के नहीं, ये कहा गया है गोक्षुर के पर्याय में, ठीक है। निम्न में से कौन चक्रमर्द का पर्याय नहीं है, चक्रमर्द का पर्याय पूछ रहे हैं। तो चक्रमर्द को देखिए ददृघ्न कहा जाता है, अंडगज कहा जाता है, प्रापुंडज ये भी कहा जाता है, मलयज, मलयज जो है नहीं कहा जाता है, कुष्ठवेरी पर्याय है, कुष्ठवेरी पर्याय है, ये किसका पर्याय माना गया है, तो ये तूरक को कहते हैं, ठीक है, खदीर को नहीं, तूरक को कहते हैं, मंजिष्ठा और सारीवा को भी नहीं। मंजिष्ठा का पर्याय क्या माना गया है, तो तयवल्ली नहीं, योजनवल्ली, तयवल्ली नहीं, योजनवल्ली कहा गया है मंजिष्ठा को। निम्न में से किस वृक्ष के कांड त्वक में छेद करने से रक्तस्राव होता है, रक्तस्रावी कौन सा ऐसा वृक्ष है जिससे रक्तस्रावी होता है, तो वो वन पुष्पी नहीं, अस्थि श्रृंखला नहीं, मांस रोहिणी जो होता है वो वृक्ष में हम अगर छेद करते हैं कांड त्वक में तो हमें रक्त का स्राव मिलता है। तुलसी का पर्याय क्या है, तुलसी का पर्याय जो है वो अतेप राक्षसी ये भी कहा गया है, भूत अग्नि ये भी कहा गया है, देव दुंदु भी ये भी कहा गया है, तो ये सभी जो है ये तुलसी के पर्याय है। तालिस का वानस्पतिक नेम क्या है, जो तालिस है उसको हम क्या कहते हैं, तो एविस बेवियाना जो है वो तालिस को कहा जाता है। उग्र गंधा है, उग्र गंधा किसे माना गया है, तो यहाँ पे जो है रसोन को नहीं, वचा को नहीं, गंध प्रसारिणी को माना गया है उग्र गंधा, ठीक है। इसके बाद है किसकी छाया मात्र से नीचे खड़े होने से ही विरेचन हो जाता है, तो
छाया मात्र से अगर नीचे उसके खड़े हो जाए तो विरेचन हो जाता है, तो जीवंती नहीं, अभया नहीं, अमृता नहीं, चेतकी जो होता है उसके नीचे अगर आप खड़े हो जाते हैं, उसकी छाया लग जाती है, तो विरेचन करवा सकता है। उसके बाद है, तीन तीन रसों के योग से उत्पन्न रसों की संख्या कितनी है। तीन तीन से ही पूछा गया है, तो तीन तीन यहाँ पे जो है हमने पढ़ा है तो उसमें 20 रस हो जाते हैं, ठीक है। स्टाफ ट्री है, स्टाफ ट्री किसे कहा गया है, तो स्टाफ ट्री कहा गया है ज्योतिषमती को, तगर को नहीं, कुटुच को नहीं, प्रियंक को नहीं, ज्योतिषमती। अर्क कल्पना का वर्णन मिलता है, अर्क कल्पना जो है उसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो मदन पल निघंटु में नहीं, राजवल्लभ निघंटु में नहीं, सढ़ोल निघंटु में, इसमें मिलता है। टूथ एक ट्री है, टूथ एक ट्री किसे माना गया है, तो टूथ एक ट्री बकुल को नहीं, बबूल को नहीं, तेजोगति को, इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि टूथ एक ट्री, जबकि हम जो मंजन यूज करते हैं बबूल का भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे टूथ एक ट्री किसे को माना गया है, राजोवती। त्रिभंडी पर्याय है, त्रिभंडी किसे कहा गया है, तो त्रिभंडी या जितने भी त्रि वाले जो शब्द आते हैं वो जो है वो त्रिविद के संदर्भ में बोला गए हैं। तुम्बारू, तुम्बुरु किसका फल है, तुम्बुरु किसका फल माना गया है, तो ये माना गया है लोफा एचिनाटा का नहीं, जेंथो जाइलम एरमेटम, जो जेंथो जाइलम एरमेटम है उसका जो फल होता है उसको हम तुम्बुर कहते हैं। विमलापन द्रव्य का उदाहरण है, विमलापन जो द्रव्य है उसका उदाहरण कुंदरू है, पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। गरागरी पर्याय है, तो देखिए गरागरी जो है वो पर्याय है देवदली का, ठीक है। फिर है कुस्तुम्बरु, कुस्तुम्बरु है, कुस्तुम्बरु किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है धान्यक को, सालमली के निर्यास को नहीं, धान्यक को कहा गया है, ना कि सरला निर्यास या बस। तुम्बरु का प्रधान कर्म क्या बताया गया है, तो इसका जो प्रधान कर्म होता है लाला प्रसेक होना, यहाँ पे मुख वैस नहीं, लाला प्रसेक जनन, जी हाँ लाला प्रसेक समन नहीं होता है, जनन होता है, तो यहाँ पे कहा जाएगा। निम्न में से कौन धान्व अयस है का पर्याय है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दुर्लभा जो है ये भी होता है, गंधारी भी होता है, कछूरा भी होता है, तो उपरोक्त सभी जो है ये धान्यवस के पर्याय हैं। नारिकेल का अन्य नाम क्या है, नारिकेल जो हम बनाते हैं उसका अन्य नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पे कुर्चशीर, जी हाँ लांगली भी कहा जाता है, और स्कंद फल भी कहा जाता है नारिकेल या नारियल को। शोथ जनन द्रव्यों में किस रस की प्रधानता होती है, शोथ जनन द्रव्यों में किस रस की प्रधानता होती है, तो अम्ल की भी होती है, लवण की भी होती है, और कटु की भी होती है, तो सभी रस की प्रधानता जो है जो पाई जाती है। क्षार श्रेष्ठ पर्याय है, क्षार में श्रेष्ठ पर्याय पूछा गया है, देखिए सर्जी क्षार को श्रेष्ठ नहीं माना है, पलाश का, पलाश जो है उसको क्षार श्रेष्ठ पर्याय माना गया है, ठीक है, पर यहाँ पे क्षार सभी हैं लेकिन क्षार श्रेष्ठ पर्याय कहा गया है। अस्थि धातु का प्रधान महाभूत क्या है, अस्थि धातु जो है उसका प्रधान महाभूत वायु और पृथ्वी है, तो वायु और पृथ्वी महाभूत। पाटला का पर्याय है, पाटला का पर्याय किसको माना गया है, तो देखिए कृष्णवंता ये भी कहा जाता है, मधुदूती ये भी कहा जाता है, अति वल्लभ ये भी कहा जाता है, तो सभी जो हैं वो पाटला के पर्याय हैं। कदली मुख्यता किस देश में मिलती है, जो कदली है वो किस देश में मिलती है, तो वो साधारण देश में नहीं मिलती है, जंगल देश में भी नहीं मिलती, ये अनूप देश में मिलती है। उपकुल्य पर्याय है, उपकुल्य किसका पर्याय माना गया है, तो विभीतक का नहीं, पिपली का जो है उपकुल्य माना गया, तो इसको आपको याद रखना है अच्छे से। टूथब्रश ट्री है, अभी हमने पहले भी इसका क्वेश्चंस लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे टूथ ब्रश पूछा है, अभी टूथ एक पूछा था तो वो तेजोवती गया था, यहाँ पे टूथ ब्रश पूछ रहा है,
तो ये जो है ये पीलू जो ट्री होती है उसका है। सोथग्नि किससे माना गया है, तो ये जो है बोरवेरा डिफ्यूजो को माना गया है, ठीक है। उसके बाद है श्रृंखला वी अन्य पर्याय है, ये किसका पर्याय कहा गया है, तो ये जो है ये पर्याय मुद्गपर्णी नहीं, सालपर्णी नहीं, कृष्णपर्णी का जो है ये श्रृंखला विघ्न कहा गया है उसको। प्रियाल का पर्याय है, प्रियाल जो है उसका पर्याय किसको माना गया है, तो ताप शिष्ट सांद्र कंद्रु और धनुष पाट उपरोक्त सभी जो हैं ये प्रियाल के पर्याय माने गए हैं। उसके बाद है चीर पुष्प पर्याय है, जो चीर पुष्प है वो किसका पर्याय है, तो बकुल का जो पर्याय होता है वो चीर पुष्प कहलाता है। बकुची का पर्याय क्या है, बकुची का जो पर्याय है वो अवलगुज, जी हाँ, कुष्ठग्नि ये भी कहा जाता है और पूती फल्ली भी कहा जाता है, तो सभी जो हैं वो बकुची के पर्याय हैं। चित्र टंडुल पर्याय है, चित्र टंडुल किसका पर्याय माना गया है, जो चित्र टंडुल है उसे हम विडंग कहते हैं, ठीक है, ना कि निर्गुंडी कुट्टज और वासा का। सैर शौर राशि के आधार पर ऋतु विभाजन किस आचार्य ने किया है, शौर राशि के आधार पर, ठीक है, जो यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो सारंगधर ने जो है उन्होंने शौर्य राशि के आधार पर, राशि के आधार पर इन्होंने ही किया है, ठीक है, सारंगधर ने। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।